आपका परिचय? वैसे ही किसी पुरुष के परिचय की क्या आवश्यकता? तुम पृथ्वी के सबसे सुंदर पुरुष और मैं त्रिलोक सुंदरी। हे त्रिलोक सुंदरी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मैंने तीनों लोकों में तुम्हारे समान सुंदर, सजीला और वीर पुरुष आज तक नहीं देखा। यहाँ न तुम जैसे पुरुष कोई दूसरा है, न मुझ जैसी कोई सुंदर स्त्री। विधाता ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही रचा है। मैं अपनी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षस कुल की राजकुमारी सुपर्णखा हूँ। अच्छा, राजकुमारी सुपर्णखा? हाँ, मैं त्रिलोक विजय राजा रावण के भाई हूँ। राक्षस कुल के राजा खर और दुष्यंत भी मेरे भाई थे। राम से आप किसका उपवासा लेकर आ रही हैं? मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार करें। आदरणीय सूर्यनखा, क्या तुम मेरी परीक्षा लेने आई हो? मैं दिवाली हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। यह मेरी पत्नी सीता है। क्या रखा है इस सूखी सरिस में? मैं तो इसे कभी खा जाऊंगी। फिर तुम दंडक बल के राजा बनना और मैं तुम्हारी रानी। एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। भाभी जी, लीजिए, मैं आपकी रसोई के लिए सूखी सूखी लकड़ियां ले आया। ये कौन है? तुम्हारी ही तरह सुंदर, सजीला और बड़ा ही प्यारा पुरुष। ये मेरा छोटा भाई है, लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, बिल्कुल अकेला ही है। तो ठीक है, फिर मैं इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। तुम अपनी मर्जी से काम करने वाली नारी हो, तुम्हें कौन रोक सकता है? प्रयत्न कर देखो। कहिए, आपको क्या कष्ट है? कष्ट नहीं, मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव लेकर आई हूँ। क्या मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? अभी आप स्वामिनी बनते बनते क्यों उदासी बनना चाह रही हैं? सुंदरी, मैं तो भैया राव और भाभी का दास हूँ। वही जाकर विवाह की याचना कीजिए। मैं यहाँ याचना करने नहीं आई हूँ। तुम दोनों मुझे इस शूद्र स्त्री के कारण ठुकरा रही हो। मैं अभी इसे खा जाऊंगी। अभी इस कैमर ककड़ी को चबा कर खा जाऊं, तुम उससे विवाह करोगे? तुम्हारे उत्तम विकार ने तुम्हारी चिता को जला दी। तो मेरा नाम भी सुपर्णखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। भाई, भाई, भाई! क्या हुआ सुपर्णखा? कैसे कैसे क्या किसने किया तुम्हारे साथ? भाई, भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं। हम रानी की किनारी सीता को भी लाए हैं। बाकी हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर होने की हो। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागी होने की हो। नागान घर को जान भी उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस निगोड़े विचमण में कुछ छल मुझसे करना चाहा। और जब 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 मैंने तेरा नाम लिया, उसने मुझको दीवानी और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक